हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आई थिंक कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी नीट स्टूडेंट्स ने 2023 का एग्ज़ाम दिया है, अभी तक आप लोगों ने अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिया होगा और डिफरेंट कॉलेज से कट ऑफ देख रहे होंगे, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग सके कि आपको का किस कॉलेज में इस साल एडमिशन होगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम एम्स पटना का कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट राउंड में, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में उनके एम्स पटना का क्या कट ऑफ था, और डिफरेंट कैटेगरी वाइज जनरल, EWS, OBC, SC, ST ही नहीं, इसके अलावा PWD कैटेगरी का कट ऑफ क्या था डिफरेंट राउंड वाइज, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को पता ही होगा कि एम्स पटना में टोटल MBBS सीट 125 है। तो 125 एक सीट्स के लिए एक आपका एडमिशन होता है एम्स पटना में, ठीक है, MBBS का। तो एम्स पटना में आप देख सकते हैं, यहाँ ये रहा यहाँ पे एम्स पटना, और ये जनरल कैटेगरी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए एम्स पटना में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो था 1461, एंड जो मार्क्स था क्या था, मार्क्स लास्ट 6471 था, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं EWS का क्या क्या था, EWS का क्लोजिंग रैंक 2151, एंड जो मार्क्स था वो 665 मार्क्स पे क्लोज हो गया था लास्ट एम्स पटना। एंड OBC कैटेगरी के लिए जो आपका रैंक था वो था, क्लोजिंग रैंक था 2206, एंड आपका जो मार्क्स था वो था 665 के करीब, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं आपका SC कैटेगरी के लिए 22309 पे ही क्लोज हो गया था एम्स पटना राउंड वन में, आप देख सकते हैं ये राउंड वन में। एंड जो मार्क्स था वो क्या था, 597 था। एंड ST कैटेगरी के लिए क्या था, 45041, एंड जो मार्क्स था वो क्या था, 556 मार्क्स पे था। तो आप जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो PDF है, ये इस PDF में एम्स पटना का ही नहीं, इंडिया के सारे एम्स, मतलब जो जितने भी 20 एम्स है, सबका कट ऑफ दिया गया है डिफरेंट राउंड वाइज, डिफरेंट कैटेगरी के लिए, जिससे आपको एम्स का कट ऑफ के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। और ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग राउंड टू का कट ऑफ देख लेते हैं, आपका एम्स पटना के लिए क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा एम्स पटना का राउंड टू का कट ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी किस पर मार्क्स पे क्लोज हो गया था आपका, 1537 में रैंक पे क्लोज हो गया था आपका, मतलब कि एम्स पटना नेक्स्ट राउंड में, मतलब इस राउंड टू में। और जो मार्क्स था वो था 670 मार्क्स, एंड EWS जो था वो 1835 पे ही क्लोज हो गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो है राउंड टू में एम्स पटना का कट ऑफ बढ़ गया है, क्योंकि EWS का पहले कितना था, 2000 के करीब था राउंड वन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1835 पे ही क्लोज हो गया। और मार्क्स 665 लास्ट हुआ था राउंड वन में आपका एम्स पटना का, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 667। तो ऐसा नहीं है कि आपका राउंड टू में हमेशा कट ऑफ क्या होता है, डाउन ही जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मार्क्स के 667 पे क्लोज हुआ था, एंड जो OBC था 2362, एंड यहाँ पे जो मार्क्स है 663, राउंड वन में क्या था 665 पे, लेकिन यहाँ पे 663 पे ही एडमिशन हो गया है। SC कैटेगरी के लिए क्या था, 27725 पे, एंड जो मार्क्स था वो 586 मार्क्स था। एंड आप देख सकते हैं कि ST कैटेगरी के लिए जो था वो ST कैटेगरी के 52460 रैंक पे लास्ट एडमिशन हुआ था, एंड जो मार्क्स था उनका मार्क्स कितना था, 544 मार्क्स पे उनका एडमिशन हुआ था। नेक्स्ट हम मॉपअप राउंड का देख लेते हैं, मॉपअप राउंड का कट ऑफ देखने के बाद हम PWD का क्या कैटेगरी का क्या कट ऑफ था वो देखेंगे, ठीक है। तो आप देख, ये आपके सामने ये मॉपअप राउंड का कट ऑफ है। तो मॉपअप राउंड में आप देख सकते हैं कि एम्स पटना ये रहा, मॉपअप राउंड में आप देख सकते हैं कि EWS और OBC का सीट बचा ही नहीं। तो इसलिए बोलते हैं कि राउंड वन, राउंड टू में आपको, राउंड टू तक कोई ना कोई आप कॉलेज ले लीजिए, जिससे आपको मॉपअप राउंड में थोड़ा एक रिस्क कम रहे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स था वो क्या था, 2737 पे क्लोज हुआ था, एंड 660 मार्क्स गया था, ठीक है। EWS में सीट बचा ही नहीं, OBC में सीट नहीं बचा, एंड आपका आप देख सकते हैं SC कैटेगरी के लिए जो एडमिशन हुआ था वो 35999 पे हुआ था, एंड जो मार्क्स था वो 571 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। और ST कैटेगरी के लिए आपका क्या था, 1,12,416 पे क्लोज हुआ था लास्ट एम्स पटना, एंड जो मार्क्स था उनका क्या था, 465 मार्क्स पे हुआ था एडमिशन। इसी के साथ ये एक मॉपअप राउंड कट ऑफ खत्म हो जाता है। तो अब PWD कैटेगरी का कट ऑफ हम देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने ये एम्स पटना का PWD कैटेगरीज का कट ऑफ है, ये राउंड वन का है, ये राउंड टू का है। तो आप देख सकते हैं ओपन PWD लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या था, 2,02,86,278, एंड जो मार्क्स था वो क्या था, 321 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, ठीक है। एंड OBC PWD के लिए 3,19,940 पे क्लोज हो गया था, मार्क्स था उनका 301। EWS PWD का 244 पे क्लोज हो गया था। फिर राउंड टू में जो है, राउंड टू में OBC PWD का 299 पे क्लोज हुआ था, ठीक है।
इसी के साथ एम्स पटना कट ऑफ यहाँ पे ख़त्म होता है। और पीडीएफ तो आप लिंक से मतलब डाउन डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, पूरा सारा एम्स का एक जगह पे है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।